आजिर विषय कारक विभक्तिर द्वितीय भाग पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति आज पढ़िबा। पंचमी विभक्ति अपादान कारक रे पंचमी आकाशरु वर्षा पड़ुछि आरोही अश्वरु पड़िगला। एठारे आकाश अश्व अपादान कारक होइथिबार उभय ठारे पंचमी होइछि। उत्पत्तिर हेतु बोधक शब्द ठारे पंचमी। मंजीरु गज्जा हुए दहीरु लहुणी बाहरे। एठारे मंजी गज्जार उत्पत्तिर हेतु और दही लहुणीर उत्पत्तिर हेतु होइथिबार उभयंक ठारे पंचमी होइछि। आविर्भाव स्थान ठारे पंचमी। हिमालयरु गंगा आविर्भूत। सह्याद्रीरु गोदावरी बाहरी अछि। एठारे गंगार आविर्भाव स्थान हिमालय और गोदावरीर आविर्भाव स्थान सह्याद्री उभयंक ठारे पंचमी होइछि। विरामार्थक शब्द जगे पंचमी। कौन सीथिरु विराम बा विरति बुझाइले पंचमी हुए। जथा छात्र माने पठनरु विरत हेबा अनुचित। युवक माने उशृंखलारु विरत हेबा उचित। रक्षार्थक शब्द जगरे पंचमी। रक्षा उद्धार मुक्ति त्राण प्रभृति अर्थरे पंचमी विभक्ति हुए। जथा भगवान विपदरु रक्षा करिबे। से पिलाटी को नदी स्रोतरु उद्धार कले। से ताकु बंधनरु मुक्त कले। से ऋण भाररु त्राण पाइबा को बहुत कष्ट करुछंती। हरि करिबे भाबु पारी। पराजयार्थ शब्द जगरे पंचमी। पराजयार्थक शब्द जगरे पंचमी हुए। जथा कौरव माने पांडव मानक ठारु पराजित हेले। पाकिस्तान भारत ठारु पराजय लाभ कला। आरंभ शब्द जगरे पंचमी। ओडिशा दिने गंगा ठारु आरंभ करी गोदावरी पर्यंत विस्तृत थिला। एठारे आरंभ शब्द जगरे गंगा शब्दर पंचमी विभक्ति होइछि। आजि ठारु आरंभ करी यज्ञ सात दिन चलिबो। एठारे आरंभ शब्द जग शब्दर पंचमी होइछि। विद्या स्वीकारे पंचमी। जहाँठारु नियमित भावे शिक्षा ग्रहण करती ताठारे पंचमी हुए। जथा शिष्य आचार्य वेद शुणुअ अर्जुन द्रोण अस्त्र विद्या शिक्षा कले। प्रणति केलुचरण नाच शिखिला। पिलामने घरु शिष्टाचार शिखती। उपदेशरु शिखिबा कष्ट किंतु उदाहरणरु शिखिबा सहज। शिक्षा नियमित नहले सम्बन्धे सृष्टि हुए। जथा से नटर गीत शुणुछि। असमापिका क्रिया लोपे तार कर्म अधिकरण ठारे पंचमी। असमापिका क्रिया लोप हेले तार कर्म अधिकरण ठारे पंचमी हुए। जथा तुम डाकरु मु धाइछि अर्थात डाक शुणी धाइछि। मु सेवारु से संतुष्ट अर्थात सेवा को लाभ करी संतुष्ट। शिक्षक आसनरु कहुछन्ति अर्थात आसनरे बसी कहुछन्ति। माकड़ गछरु चाहिछि अर्थात गछरे चढ़ी चाहिछि। तुलनार्थे पंचमी। कहा सहित तुलना करा गले पंचमी विभक्ति हुए। जथा एहाकु अपेक्षार्थे पंचमी बोली मध्य कुहा जाय। जथा विंध्य ठारु हिमालय उच्चतर। धन ठारु ज्ञान बड़। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग ठारु गरियसी। मालभूमि ठारे उपकूलवर्ती भूमि निम्नतर। मालभूमि ठारे उपकूलवर्ती भूमि निम्नतर। सीमाबद्धक शब्द ठारे पंचमी। कहार सीमा आरंभ बा अवधि बुझाइले सही सीमाबद्धक शब्द ठारे पंचमी विभक्ति हुए। जथा अलियारु गजा। माघ मासरु बसंत आरंभ हो जाए। कटकरु पुरी प्राय 90 किलोमीटर। से मार्च ठारु जून पर्यंत दिल्ली रे रहिबे। भिन्यार्थक शब्द जगे पंचमी। मो नीति तांको नीति ठारु भिन्न। भिन्न शब्द जगे। राम श्याम ठारु अलगा। अलगा शब्द जगे। सीता गीता ठारु पृथक। पृथक शब्द जगे। हेतु अर्थरे पंचमी। से निज दशरु से दंडित हेले। दस हेतु दंडित हेले। कंस निज पापरु मला। पाप हेतु मला। दिग्वाचक शब्द जगे पंचमी। दिग्वाचक शब्द जगरे पंचमी विभक्ति हुए। पक्षे षष्ठी विभक्ति मध्य हुए। जथा पहाड़टी आम गाँव ठारु पश्चिम को अवस्थित। गाँवर पश्चिम। नदीटी मंदिर ठारु दक्षिण रे बही जाउछि। मंदिर रो दक्षिण रे बही जाउछि। भयार्थे पंचमी। भयार्थक शब्द जगरे पंचमी हुए। जथा चर ठारु भय। बाघ ठारु भय। पाप ठारु भीति। दूरार्थक बा निकटार्थक शब्द जगरे पंचमी। बण गाँ ठारु दूर रे। डाकघर विद्यालय
रु पाख। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक क्रिया जो स्थान समय प्रभृति रे संपादित हुए ताहा अधिकरण कारक। जथा पिला माने श्रेणी रे बसिछंती स्थान अधिकरण। सूर्य प्रातः काल रे उदित हुंती कालाधिकरण। अधिकरण कारक साधारणतः पांच प्रकार स्थानाधिकरण कालाधिकरण व्याप्तधिकरण भावाधिकरण विषयाधिकरण। सप्तमी विभक्ति स्थानाधिकरण सप्तमी। पुरी रे जगन्नाथ विराजमान जगन्नाथ रहिबा स्थान पुरी तेणु ताठारे सप्तमी होइछि। व्याप्ताधिकरण सप्तमी तिल रे तैल अछि एठारे तिलर सबुआडे व्यापी तैल थिबार सूचित होइछि। सेहिपरि सबुठारे आत्मा अछि। कालाधिकरण सप्तमी पूर्णिमा राति रे चंद्र सभा पाए एठारे सभा पाइबार समय पूर्णिमा राति ताठारे सप्तमी होइछि। बाबा भावाधिकरण सप्तमी संपद काले सर्वे सखा विपदरे नदियंती देखा। संपद विपदी विपद अवस्थावाचक विशेष्य भावर अर्थ अवस्था अवस्थावाचक संपद विपद स्थान रे सप्तमी होइतिबारु एहाकु भावाधिकरण सप्तमी कुहा जाय। विशेषाधिकरण सप्तमी वृंदावन व्याकरण रे सुनिपूर्ण व्याकरण एक विषय ताठारे सप्तमी होइछि। सेहिपरि गणितरे दक्ष संस्कृतरे पंडित प्रवृत्ति हुए। रामर पढ़िबारे अर्थात पठन विषय रे इच्छा अछि। हरिर खेल रे अर्थात खेल विषय रे आग्रह अछि। भावे सप्तमी जदि गोटिए क्रिया परे आउ गोटिए क्रिया होइथाय एवं गोटिए क्रियार काल अन्य क्रिया उपरे निर्भर करुथाय तेबे निर्भर करा जाउथिबा क्रिया को क्रियावाचक विशेष्य करि तार सप्तमी विभक्ति करा जाए ताकु भावे सप्तमी कहंती। सूर्य उदय रे फूल फुटे एठारे सूर्य उदय हेबा एक क्रिया और पद्म फुटिबा अन्य एक क्रिया। द्वितीय क्रियार काल प्रथम क्रियार काल उपरे निर्भरशील तेणु उदय ठारे सप्तमी होइछि। वर्षा आगमन रे मयूर नाचे एठारे आगमन ठारे सप्तमी होइछि। निर्धारण सप्तमी जाति गुण क्रिया संज्ञा द्वारा समुदाय रु गोटी को पृथक करिवार नाम निर्धारण। जहीं रु पृथक करा जाए सेठारे निर्धारण रे सप्तमी हुए। जथा पूर्वे लोकमानक मध्यरे क्षत्रिय वीर थिले एठारे जाति रे निर्धारित होइछि। फूलमानक मध्यरे नाली फूल चिताकर्षक अटे एठारे गुण रे निर्धारित होइछि। सभा आगरे धाउथिबा पिलाटी पिलामानक मध्यरे बळुआ एठारे क्रिया रे निर्धारण होइछि। कविमानक मध्यरे कालिदास श्रेष्ठ एठारे संज्ञारे निर्धारण होइछि। विप्सार्थे सप्तमी विप्सा बा पुनरुक्ति सूचाइले सप्तमी विभक्ति हुए। जथा एबे घरे घरे राजनीति चर्चा हेउछि। सन्यासी देशे देशे बुलुछंती। आदर बा अनादर अर्थरे सप्तमी आदर बा अनादर बुझाइले सप्तमी विभक्ति हुए। जथा बाप पुअरे स्नेह अर्थात आदर करुछंती। जाति जातिरे मैत्री अर्थात आदर अर्थरे बुझाउछि। धनी दरिद्ररे भेद अर्थात अनादर अर्थरे बुझाउछि। दुई पड़ोसी मध्यरे शत्रुता अनादर अर्थरे बुझाउछि। देश विदेशरे ख्याति अर्थात आदर अर्थरे बुझाउछि। विश्वास अनुराग विराग भक्ति प्रेम प्रवृत्ति शब्द जगे सप्तमी। मोर तांकठारे विश्वास अछि अर्थात विश्वास जगे सप्तमी। छात्र गुरुंकठारे अनुरक्त अर्थात अनुराग जगे सप्तमी। तांकर कृष्णठारे भक्ति अछि अर्थात भक्ति जगे सप्तमी। शिक्षक रामंक उपरे विरक्त होछंती अर्थात विराग पद जगे सप्तमी। दमयंतीकर नळंकठारे प्रेम थिला अर्थात प्रेम जगे सप्तमी। साक्षी शब्द जगे सप्तमी। तांको विवादरे साक्षी किए तांको मकदमारे साक्षी हेबी नाही। प्रयोजनार्थ शब्द जगे सप्तमी अर्थात पक्षे तृतीया। दरिद्रर जीवनरे की प्रयोजन मोर धनरे प्रयोजन नाही मानरे प्रयोजन। संबंध पद षष्ठी विभक्ति। संबंध पदर क्रिया सह संपर्क नथिबारु ताहा कारक नुहे। जथा गोपाळर पुओ एठी बसिछि एठारे गोपाळ सहित बसिबार क्रियार संपर्क नाही। कुओर पाणी शीतल एठारे अटे क्रिया सहित कुओ शब्दर संपर्क नाही। षष्ठी विभक्ति कर्तृ सम्बन्धे षष्ठी। गुरु सेवा छात्रर कर्तव्य मोर सेठारे प्रवेश नाही। बालिकार गमन धीर एठारे कर्तव्य प्रवेश गमन पदमानंकर यथाक्रमे छात्र मु बालिका कर्ता
ସେମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ପୁତ୍ର ଓ ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଛାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଅଧିକାରୀ ଓ ସେବା ଏହି ଦୁଇଟି ପଦର ଯଥାକ୍ରମେ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୁରୁ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱରର ଆଘାତରେ କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ୱରର ଆଘାତ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ। ଏଠାରେ କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ସଭାପତି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନକାରକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ବଣରେ ବାଘର ଭୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ବାଘ ଠାରୁ ଅପାଦାନକାରକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଘର ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଅଛି। ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ନଈର ମାଛ ବନ୍ୟାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ନଈରେ ଥିବା ଅଧିକରଣ କାରକ ସ୍ଥଳେ ନଈର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଅଛି। ସ୍ୱତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ମୋର ଘର ତାଙ୍କର ଧନ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଓ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ଘର ଓ ଧନର ଅଧିକାରୀ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ଏଠାରେ ଲଉଡ଼ି ଅନ୍ଧର ପ୍ରଧାନ ଆଶ୍ରୟ, ଅନ୍ଧ ସହିତ ଲଉଡ଼ିର ଆଶ୍ରୟଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ଜନ୍ୟ ଓ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ୟ ଓ ବସୁଦେବ ଜନକ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, କୂପର ଜଳ ଶୀତଳ। ଏଠାରେ କୂପ ଜଳର ଆଧାର ଓ ଜଳ ଆଧେୟ, ଜଳ ସହିତ କୂପର ଆଧାର ଆଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ମୋର ହାତ ତାର ମୁଣ୍ଡ, ପିଲାର ଆଖି ରମଣୀର କେଶ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ, ସେ, ପିଲା ଓ ରମଣୀ ଏମାନେ ଅଙ୍ଗୀ ଏବଂ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି କେଶ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ସୁନାର ମୁଦି ରୂପାର ହାର। ଏଠାରେ ସୁନାର ମୁଦି ଓ ରୂପାର ହାର ଉପାଦାନ, ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଏଠାରେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି କାରଣ ଓ ଫଳ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି। ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ମାସକର ଦରମା। ଏଠାରେ ମାସକର ଅର୍ଥ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ, ଦରମା ସହ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ପୂଜାର ଫୁଲ। ଏଠାରେ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ପୂଜା ପାଇଁ, ଫୁଲ ପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଫୁଲ ପୂଜା ଓ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏଣୁ ପୂଜାର ପଦଠାରେ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ଚାଉଳର ବେପାରୀ, ଚାଉଳ ସହ ବେପାରୀର ବ୍ୟବସାୟଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏଣୁ ଚାଉଳର ପଦଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ଧନର ଗର୍ବ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଅସାଧୁ। ଏଠାରେ ଗର୍ବର ହେତୁ ଧନ ଓ ଧନ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ହେତୁଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏଣୁ ଧନର ପଦଠାରେ ହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ରାଜାଙ୍କର ସେବକ। ଏଠାରେ ରାଜା ସେବ୍ୟ ଓ ଭୃତ୍ୟ ସେବକ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଦଠାରେ ସେବ୍ୟ ଓ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ଅଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, କରୁଣାର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି। ଏଠାରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରୁଣା ରୂପକ ସାଗର ଓ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜ୍ୟୋତି। କରୁଣା ସହ ସାଗରର ଓ ଜ୍ଞାନ ସହ ଜ୍ୟୋତିର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ କରୁଣାର ଓ ଜ୍ଞାନର ପଦ ଦୁଇଟି ଠାରେ ଅଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଲେଖା। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚକୋଟି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖାର ବିଶେଷଣ ଅଟେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଅଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପଦଠାରେ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ସହାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ, ତୁମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ସୀତା ରାମଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଗଲେ। ବିନା ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ପରି ପ୍ରତି ଘେନି ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ, ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ହେବ, ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତ ଘେନି ହେଲା ନାହିଁ ଯେତେକ ହଟାହଟରେ କିଶୋରୀ।
तुलनार्थक शब्द जगरे षष्ठी तुल्य सदृश सम समान तुलना उपमा प्रवृत्ति तुल्यार्थक शब्द जगरे षष्ठी हुए जथा रामंक तुल्य राजा नहांती अर्जुनंक सदृश वीर नहांती हरिहरंकर सम राजा ज्ञानींकर समान नुहंती काश्मीरर डाल ह्रदर सौंदर्यर तुलना नाही केशवंकर उपमा नाही। दूर शब्द जगरे षष्ठी नई गाँर दूरें अच्छी निकट शब्द जगरे षष्ठी रामंक पाखरे सीता बसिछंती तांको निकटरे मोर काम अच्छी साक्षी और जामिन प्रभृति शब्द जगरे षष्ठी हत्यार साक्षी मिलूनाही सही दुष्टर जामिन किए हेबो योग्यता अर्थरे षष्ठी यह तुमर जानिथिबार कथा जानिबा यज्ञ कथा खाइबार पुओ गला मथुरा पुरकु पुओ खाइबा पई यज्ञ अप्रधान कर्तारे षष्ठी कर्मवाच्य और भाववाच्य अप्रधान कर्ता ठारे षष्ठी विभक्ति हुए जथा पिलांकर खेल देखा हेउछि एहा कर्मवाच्य गीतार नाचिबा हेला नै एहा भाववाच्य निर्धारण रे षष्ठी निर्धारण अर्थ रे षष्ठी विभक्ति हुए अर्थात किंबा पक्ष सप्तमी जथा सिंह पशु मानंकर राजा कालिदास कवि मानंकर मौड़मणि एठारे पशु मानंक मध्यरे और कवि मानंक मध्यरे एपरी मध्य होई पारिबो तुलनार्थक शब्द जगे निर्धारण बुझाइले केवल सप्तमी हुए कवि मानंक मध्यरे कालिदास श्रेष्ठ पुत्र मानंक मध्यरे राम ज्येष्ठ आशीर्वादार्थ शब्द जगे षष्ठी आशीर्वादार्थक कल्याण मंगल सुख हित कुशल समृद्धि प्रभृति शब्द जगरे षष्ठी विभक्ति हुए जथा शिष्यर कल्याण शिष्यर मंगल शिष्यर हित हेउ देशर समृद्धि हेउ तुमर सबु कुशल त आजि पई एतिकी समाप्तम।